टाइम एंड वर्क चैप्टर है, इसी एफिशिएंसी और जो टाइम लगता है और जो वर्क हो रहा है उस पे बेस्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एफिशिएंसी, ये वर्ड आपको आएगा। एफिशिएंसी मीन्स जो हम काम करते हैं वो हम कितने टाइम में कर पाते हैं, कितनी जल्दी कर पाते हैं। ओके अब मैं आपको एक अदर एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, एक कोई स्टूडेंट है उसको मैंने 30 क्वेश्चंस मैथ्स के दिए हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन दिए हैं। और एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसको मैंने रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। दो स्टूडेंट है ए बी, एक को मैंने मैथ्स के 30 क्वेश्चन दिए हैं और एक को रीजनिंग के 30 क्वेश्चन दिए हैं। तो अब ये जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है जिसको मैंने मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, उसने ये क्वेश्चन कितने में, 10 मिनट्स में कर लिए। 30 क्वेश्चन उसने 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए। और जिसको मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन दिए थे 30, उसने ये सिर्फ 7 मिनट्स में ही कर लिया, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है, विच वन इज इंटेलिजेंट, बताइए मुझे। दो स्टूडेंट्स है ना, ए एंड बी, तो ए और बी में से कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है? एक ने 30 क्वेश्चन मैथ्स के 10 मिनट्स में सॉल्व कर दिए और एक ने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 7 मिनट्स में सॉल्व कर दिए, तो कौन इंटेलिजेंट है बताइए। दीप्ति का आंसर है सेकंड नंबर पर्सन, सेकंड ए रीजनिंग वाला। देखिए यही है, बच्चों को यही भी समझ में आता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को ही हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट बी डिटरमाइन विच वन इज इंटेलिजेंट और नॉट, क्योंकि इसको मैथ्स का वर्क मिला है, इसको रीजनिंग का वर्क मिला है, वर्क दोनों के अलग अलग है। अगर वर्क दोनों का सेम होता तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ कौन इंटेलिजेंट है, बट यहाँ पे वर्क डिफरेंट है। ये मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा है, हो सकता है मैंने इसको जो 30 क्वेश्चन मैथ्स के दिए हैं इसको 10 मिनट्स लगे, हो सकता है ये क्वेश्चन हार्ड हो, वेरी हार्ड। और जिसको रीजनिंग के मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं इसको मैंने इजी क्वेश्चन दे दिए हो तो इसने जल्दी कर लिया, ठीक है। तो हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन इंटेलिजेंट है। डिटरमाइन कब कर सकते हैं? जब वर्क सेम हो, होता है ना, जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में कोई सब्जेक्ट है आपका, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ या कोई सा भी स्किल लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, उसका पेपर दिया, सभी स्टूडेंट्स ने दिया है। अब किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं, किसी के कम आए हैं, ठीक है, इस टाइप से होता है ना, ऊपर नीचे होते हैं मार्क्स, तो उसमें हम पता लगा सकते हैं। जब सेम सब्जेक्ट होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा है, जिसको ज्यादा आता है सब्जेक्ट का ज्यादा नॉलेज है। बट जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है उसी सब्जेक्ट में, हम उससे पता लगाते हैं कि हाँ इसके कम है। बट अगर डिफरेंट सब्जेक्ट हो और दोनों के ही अलग अलग मार्क्स आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो उसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ना कि विच वन इज इंटेलिजेंट और नॉट। तो इस टाइप एंड वर्क में वर्क हमेशा सेम होता है, कोई भी दो पर्सन होंगे उनको काम एक जैसा ही मिलेगा, सेम वर्क, ठीक है, सेम वर्क मिलेगा। इन क्वेश्चंस में यही खास बात रहती है, इनमें टाइम डिफरेंट हो सकता है लेकिन वर्क जो है सेम होता है, एफिशिएंसी भी इनकी डिफरेंट होती है। क्लियर है, क्लियर और नॉट? दीपक, दीप्ति, देखो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपली ओके देखिए, अब इसमें दिया है ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कोई एक पर्सन है उसको कोई भी वर्क दिया है, वो उस वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है,
20 डेज में कंप्लीट करता है और बी कोई पर्सन है वो उसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक को 20 डेज लगते हैं एक वर्क को कंप्लीट करने में, उसी सेम वर्क को कंप्लीट करने में बी को 30 डेज लगते हैं, 20 एंड 30 डेज। तो इनकी क्या निकालना पड़ेगी, सबसे पहले हमको इफिशियंसी निकालना पड़ेगी। इनकी इफिशियंसी क्या है, टोटल वर्क निकालना हो कि टोटल वर्क कितना है इनका, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं एलसीएम। मैंने सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आप लोगों को एलसीएम सिखाया है कैसे करते हैं एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए 20 एंड 30 का एलसीएम आएगा कितना, 60। अब जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनको इजीली पता है, जिन्होंने अटेंड नहीं करी मैंने उनके लिए वीडियो शेयर किया था आपके ग्रुप में, किया था या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 20 एंड 30 एलसीएम आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, एफिशिएंसी आप जो भी टोटल वर्क दिया है यहाँ पे ये एलसीएम है। ओके, एलसीएम क्या होता है आपका, टोटल वर्क, एलसीएम टोटल वर्क होता है। तो आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। अब ये जो टाइम होता है वो आपका डे में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है, ये टाइम आपका डे एंड आवर्स दोनों में हो सकता है। ओके, डे एंड आवर्स दोनों में हो सकता है। एफिशिएंसी इस तरह से निकालते हैं, टोटल वर्क में सबसे पहले आप इसका डिवाइड करोगे 20 का, तो कितना आ जाएगा 3। वैसे ही आप 60 में अगेन इस 30 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो एफिशिएंसी कैसी आई है कि जो ए है वो 3 वर्क्स पर डे करता है, ये जो एफिशिएंसी है पर डे के अकॉर्डिंग आती है कि ए दिन में ये कितना काम कर लेता है 3। ठीक है, 3 वर्क्स पर डे करता है। उसी तरह से जो बी है वो 2 वर्क्स पर डे करता है, मींस एफिशिएंसी यहां पे किसकी ज्यादा है, ए की, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। अब उसके बाद में क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर ए 20 डेज में वर्क करता है और बी 30 डेज में वर्क करता है, उसको उसी वर्क को कंप्लीट करने में 30 डेज लगते हैं, तो दोनों मिलके मींस ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी वर्क को, इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमको क्या करना है कि ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वर्क और जल्दी होगा, तो जो टोटल वर्क है ये 60, उसको हम इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, मींस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 60/5। ठीक है, कितना आ गया 12 डेज, आंसर इस तरह से होता है। क्वेश्चन आपको पूरा दिया जाएगा, ए कोई वर्क 20 डेज में कंप्लीट करता है, बी कोई वर्क 30 डेज में कंप्लीट करता है, तो ए और बी दोनों कंबाइन होके मींस एक साथ उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12 डेज में, क्योंकि जब दोनों कंबाइन होंगे तो दोनों की एफिशिएंसी भी कंबाइन होगी, ऐड होगी। क्लियर, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का आपको डिवाइड कर देना है। ये देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया है ना, ये इससे रिलेटेड ही आपके सारे लॉजिक मिल जाएंगे, ये सिर्फ आपको याद रखना है बस। ठीक है, बाकी ये आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, और अगर आपको टाइम निकालना है मींस नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड कर लोगे। वैसे ही हमने यहाँ पे किया है ना, टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड कर दिया है, तो ए और बी की एफिशिएंसी जो थी कितनी हो गई थी 5, तो नंबर ऑफ डे आ गए 12 डेज, मींस ए और बी दोनों मिलके उसी वर्क को, टोटल वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ 12 डेज में। क्लियर है, ये एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाया है, बाकी के मैं आपको और देती हूँ, बताना आप खुद आंसर, ये क्लियर है या नहीं चैट बॉक्स में मुझे बताइए। इसमें कोई डाउट है जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए।
क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो आप लिख दीजिए एनी डाउट, नो एनी डाउट। ओके क्लियर, ओके ओके को देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन, जस्ट सिंपल इसी लॉजिक से आप कर पाते हैं नहीं, आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। क्लियर, सेम लॉजिक का है क्वेश्चन। अब देखिए ए एंड बी हम जस्ट सिंपल यहाँ पे मानते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं। ए कोई वर्क 4 days में कंप्लीट करता है, ठीक है, इसी सेम वर्क को बी 3 days में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये वर्क? ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर मुझे, जल्दी से फास्ट। जल्दी से किसका आ गया आंसर चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप। ए कोई वर्क 4 days में कंप्लीट करता है, उसी सेम वर्क को बी 3 days में कंप्लीट कर लेता है, तो ए और बी मिलके इस जो टोटल वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, बिल्कुल अभी जो प्रीवियस लॉजिक मैंने बताया उसके जैसा ही है। जल्दी निकालिए क्या होगा आपका इसका एलसीएम निकालना है। 3 and 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। ये 12 अभी आप एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3, ए की एफिशिएंसी कितना आ गया 3 वर्क पर डे, और उसी तरह से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 वर्क्स पर डे। मींस किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है यहाँ पे? बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। अब दोनों मिलके इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 12 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी को आप ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, 12 बाय 7 डेज। क्लियर, अगर क्लियर हो गया है तो मुझे चेक बॉक्स में यस लिखिए, ये अंडरस्टैंड है आपको लॉजिक? ओके यस, ठीक है। वन मोर, एक और बता रही हूं मैं आपको, ये सभी का आ गया है। नेक्स्ट में ए बी एंड सी 3 persons हैं, ए बी एंड सी 3 persons हैं। ए कोई वर्क को 10 days में कंप्लीट करता है, उसी तरह से बी 20 days उसको लगते हैं इस वर्क को कंप्लीट करने में, और सी को 60 days लगते हैं, ठीक है। मीन्स सी सबसे धीरे वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो आप बताइए कि ए बी और सी तीनों मिलकर जो भी वर्क है सेम वर्क उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? जल्दी से बताइए फास्ट। यशपाल सिंह, दीप्ति, आसिफ, जल्दी बताइए कितना टाइम लगेगा तीनों मिलके जब इस वर्क को करेंगे? अभी तो हर एक को अलग अलग टाइम लग रहा है, किसी को 10 days लग रहे हैं, किसी को 20 days और किसी को 60 days लग रहे हैं।
जब तीनों मिल जाएंगे तो उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? जल्दी बताइए। चैट बॉक्स में आंसर देना है मुझे, जल्दी दीजिए आंसर। फास्ट, अगर आपको एलसीएम आता है, आपने मेरा वीडियो देखा है, तो एलसीएम जल्दी से बनेगा आपको, है ना, जल्दी जल्दी आंसर आएगा। ये देखिए 10, 20 and 60। करिए, वेरी गुड, जल्दी करिए। फास्ट क्या हो जाएगा, 10, 20 and 60 एलसीएम कितना आएगा इसका? 60। क्लियर? अब एलसीएम अगर मेरी समझ में आ गया है तो मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने जो आपको शेयर किया है वो देखना, कैसा होता है एलसीएम, कैसे निकालते हैं हम। हाईएस्ट नंबर लेते हैं, हाईएस्ट नंबर को फिर चेक करते हैं कि ये बाकी सब नंबर से डिविजिबल है। हाईएस्ट नंबर जो हमने लिया है अगर डिविजिबल है तो यही हमारा एलसीएम होगा, अगर डिविजिबल नहीं होता है तो उसी हाईएस्ट नंबर के हम मल्टीपल लेते हैं। तो यहाँ पे 60 लिया हमने, 60 से इन सभी से डिविजिबल है। ओके, क्लियर? तो अब आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एक एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 में 10 से डिवाइड करोगे 6 वर्क्स पर डे। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, उसी तरह से 3 आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 20। और उसी तरह से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। ये 1 वर्क पर डे कर रहा है सी, बी उसी वर्क को 3 वर्क्स पर डे करता है और ए जो है 6 वर्क्स पर डे करता है, मींस ए की एफिशिएंसी यहां पे ज्यादा है। अब तीनों जब मिल जाएंगे तो उसी वर्क को कितने दिनों में, कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे? तो यहाँ पे देखिए 6 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 10, मींस 6 डेज। तीनों मिलकर जब इस काम को करेंगे तो उनको कितना टाइम लगने वाला है, 6 डेज। क्लियर है ये? अगर क्लियर है, यस, हाँ, किरण से आप चैट बॉक्स में लिखिए क्या पूछना चाहते हैं। यस किरण, चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए मुझे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर ए, कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड ए एंड बी एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 डेज, देन बी अलोन विल डू दैट वर्क डू देयर वर्क इन हाउ मेनी डेज। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसको रीड करना है, क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है यहाँ पे। ए, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए कोई भी वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 डेज में। ठीक है, किसी का आंसर अगर आ जाता है तो आप मैसेज करते हैं मुझे,
ए कोई भी वर्क 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 डेज. ए और बी जो है ए एंड बी दोनों एक साथ मिलके इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 डेज में कंप्लीट करते हैं. कितने दिन में? 6 डेज में कंप्लीट करते हैं. देन बी अलोन डू व्हाट इन हाउ मेनी डेज. तो बी का निकालना है आपको कि बी कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेगा. इस वर्क को बी का आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा. तो यहाँ पे आपको सिंपली जस्ट क्या करना है, ऐसे निकालना है, उसे टोटल वर्क आएगा एंड एलसीएम से आ जाएगी. 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपका, जल्दी बताइए. एक एक क्वेश्चन आप भी मुझे आंसर देते जाइए जल्दी से. 5 10 एंड 6 का एलसीएम बताइए कितना होता है यहाँ पे. किसने करी थी मेरी क्लास अटेंड प्रीवियस? दीप्ति, यशराज, जल्दी से फास्ट. 10 एंड 6 का एलसीएम कितना आता है? 60. हाईएस्ट नंबर क्या है? 10 है. यस मैम. रिड्यूसिबल है या नहीं? नो. तो हम 10 के मल्टीप्लस देंगे, ये आता है 60. क्लियर? 60 है तो 6 ये जो है डिवाइड कर देता है 60 को. क्लियर? तो अब आप एलसीएम से निकालिए 60 डिवाइड बाय 10 कितना आएगी? 6. और यहां से 60 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा? 10. या भी एफिशिएंसी यहां पर. अब आपको निकालना है कि बी अलोन, बी अकेला इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा. ए का पता चल गया आपको, ए कितने दिनों में करता है? 10 डेज में करता है. वो एक वर्क को मीन 6 वर्क को पर डे करता है. हाँ, और ए प्लस बी जो दोनों मिल जाते हैं तो वो इसी पूरे वर्क को कितने दिन में कर लेते हैं? 6 डेज में कर लेते हैं. मीन्स इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 10 वर्क पर डे. तो अब बी की निकालना है आपको. तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क है 60. टोटल वर्क 60 है. ए और बी दोनों मिलकर कितने डेज में कर लेते हैं काम को? 6 डेज में कर देंगे. जिनकी एफिशिएंसी है दोनों की 10. तो दोनों की एफिशिएंसी में से 10 में से ए की एफिशिएंसी अगर हम माइनस कर देंगे 6 को तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी. यहाँ पे देखिए कितनी आ गई? 4. 60 डिवाइड बाय 4 आ गई दोनों की एफिशिएंसी. यहाँ तक समझ में आया है आपको? यशपाल, दीप्ति, समझ में आया है? कैसे निकाला हमें यहाँ पे? टोटल वर्क था, टोटल वर्क दिया है यहाँ पे हमको. बी की एफिशिएंसी यहाँ पर निकालनी है. बी कितने दिनों में वर्क करता है तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना होगी. तो ए प्लस बी दोनों जो वर्क है 10 डेज में कंप्लीट किए, 10 वर्क्स कर लेते हैं एक दिन में, 10 वर्क्स दोनों मिलकर कर लेते हैं. और ए 6 वर्क कर लेता है 1 डे में. तो हमको बी की एफिशिएंसी निकालनी है. तो 10 माइनस 6 करेंगे हम तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आएगी जो कि क्या है? 4. तो टोटल वर्क में से हम जब एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, कितने डेज में. तो 60 डिवाइड बाय 4 ये हो जाएगा आपका कितना? 15 डेज. यहां तक समझ में आया? क्लियर और नॉट? लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए. अगर समझ में आ गया है तो यस मैम लिखिए जल्दी. ओके, क्लियर और नॉट? जल्दी से लिखिए फिर नेक्स्ट में बताती हूँ आपको. जल्दी लिखिए. Am I audible or not? All of you, am I audible?
दीप्ति, यशराज, लवीश, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, समझ में आया या नहीं डायमंड वर्क का? फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर है एक क्वेश्चन है, इफ राम अलोन कैन डू, राम अलोन कैन डू अ वर्क, इन 5 days एंड श्याम कैन डू एट इन 10 days इन हाउ मेनी डेज and how many days Mohan alone can do it? If राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन डू इट इन 3 days ये है क्वेश्चन, ओके। चलिए अब इसमें बताइए, मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूं, उसमें ऑप्शन भी है 55, 35, 45 and 30, ये 4 options भी हैं आपके पास, इसको करके बताइए आप। बिल्कुल प्रीवियस है, प्रीवियस लॉजिक जो मैंने अभी बताया है। कैसा है? राम अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days, ठीक है? राम कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर देता है? 5 days में। यहाँ पे देखिए राम को कितना टाइम लगता है वर्क करने में? 5 days लगते हैं, क्लियर? अब उसी तरह से श्याम कैन डू इट इन 10 days, श्याम को कितना वर्क लगता है? टाइम लगता है 10 days का वर्क लगता है, टाइम लगता है 10 days, श्याम को 10 days लगे उसी वर्क को कंप्लीट करने में। तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी डेज मोहन अलोन कैन डू इट, ठीक है? कितने दिन में मोहन कंप्लीट कर लेगा इस वर्क को? तो मोहन का नहीं पता है हमें, मोहन का हमको निकालना है, और दिया है हमको कि इफ राम श्याम एंड मोहन डू इट इन 3 days। अब राम श्याम और मोहन तीनों का दिया है हमको कि राम श्याम
एंड मोहन तीनों मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? थ्री डेज में, थ्री डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो श्याम है, मोहन, श्याम 10 दिन में कंप्लीट करता है, राम 5 डेज में, तो मोहन कितने दिन में कंप्लीट करेगा इस वर्क को? तो आपको निकालना है, जस्ट सिंपल क्या करना है, इन तीनों के एलसीएम लो, आप एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालो, फिर एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, मोहन का कितने डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेगा वो निकालना है। तो एलसीएम निकालिए कितना आ जाएगा, 3, 5 एंड 10, जल्दी निकाल के बताइए। यशराज, लवीश, जल्दी से फास्ट, यस, वेरी गुड, लवीश साहू, गुड। कितना आ गया है एलसीएम इसका? 30 आया है एलसीएम। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स राम श्याम और मोहन, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। उसी तरह से राम की एफिशिएंसी निकालिए, कितनी आ जाएगी? 6, क्लियर। और उसी तरह से श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, क्लियर है। अब आपको मोहन का निकालना है, टोटल वर्क है हमारे पास 30। अब देखिए यहाँ पे राम श्याम और मोहन की एफिशिएंसी है 10, तीनों मिलके 10 वर्क्स कंप्लीट करते हैं पर डे, 10 वर्क्स पर डे करते हैं। तो आपको जो राम और श्याम है उनकी एफिशिएंसी को ऐड करके इन तीनों की एफिशिएंसी में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपके पास मोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप करिए, 10 - 6 + 3 कितना होता है ये? 9। 10 - 6 + 3 9 होता है, means 30 upon कितना जाएगा ये? 1। तो ये आ गया आपके पास 30 days, means मोहन कितने days में complete करेगा उसी वर्क को? 30 days में, okay? तो ये देखिए आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन में बताऊंगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? लवीश, अटेंडेंस सबको देनी है, और अभी तो मैं सिंपली आपको टाइम एंड वर्क के सिंपल सम बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा और लॉजिक वाले सम भी बताऊंगी थोड़े से, जो कि एग्जामिनर घुमा फिरा के भी देता है, ठीक है? ये समझ में आया सबको? ओके, गुड, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए आप, क्लियर? मैं आपको आगे का एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, आपको ऑप्शंस भी दूंगी, आपको अब इसको करके बताना है। ये वाले जो सम करवा रही हूँ सबसे सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन डू अ वर्क, हम जनरली यहाँ पे नाम की जगह ए एंड बी भी ले सकते हैं, एग्जाम में ए एंड बी भी पूछ सकते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं, ओके? तो मैं करवा रही हूँ आपको, ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू इट एंड बी कैन डू इट इन 10 डेज,
ओके सेपरेटली एंड येलो येलो वर्क करते हैं एंड हाउ मेनी डेज How many days would it take for would it take for both A and B to finish the same work together. चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए. इसके ऑप्शन दे रही हूं मैं 33/8 बी 40/9 सी 41/10 एंड डी है 42/11 ये ऑप्शन. अब इसको सॉल्व करिए आप. जल्दी से फास्ट 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास. ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू इट इन 10 डेज एंड हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर बोथ ए एंड बी टू फिनिश दिस वर्क. ए एंड बी को कितना टाइम लगता है जस्ट आपको ये निकालना है. ए कोई भी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है, उसी तरह से बी उसी सेम वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है. तो ए एंड बी दोनों मिलकर उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं. जल्दी से मुझे आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट. जल्दी से फास्ट बताइए आप मुझे. रविश, यशराज, करण, जल्दी बताइए विच वन ऑप्शन इज करेक्ट. जल्दी से किसका आंसर आ गया है. फास्ट किसका ऑप्शन. वेरी गुड उत्तरकाश, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्लियर सभी को भी आया है ऑप्शन. सिर्फ उत्तरकाश का ही उत्कर्ष का ही आया है. उत्कर्ष शर्मा सबका आ गया है ऑप्शन बी. वेरी गुड. कैसे किया इसको हमने. सिंपल मेथड है. ए कोई वर्क जो है 8 डेज में कंप्लीट करता है. देखिए ए जो है कोई भी वर्क 8 डेज में कंप्लीट करता है. उसी तरह से ए एंड बी का पूछा है और बी का यहाँ पे पूछा है कि बी कितने दिन में कंप्लीट करता है. उसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है और पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करेंगे इस वर्क को कितने टाइम में. तो यहाँ पे 8 और 10 का आपको क्या निकालना है. एलसीएम निकालोगे ठीक है. कितना आ जाएगा एलसीएम. जैसे 10 आपने हाईएस्ट नंबर लिया ऐसा फैक्टर आप 10 के से मल्टीपल करो कि वो 1 से डिवाइड हो जाए तो यह आ जाएगा आपका 40. क्लियर. यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 40. एफिशिएंसी इनकी निकाल लो. 5 आ जाएगी यहाँ पे. 40 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 से 40 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगी. अब आपको ए और बी दोनों का निकालना है तो आप टोटल वर्क है 40 और ए और बी दोनों का निकालना. तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आप ऐड करोगे तो ही दोनों मिलके काम करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 5+4 कितना आ गया 40/9 डेज. ऑप्शन नंबर बी. समझ में आया सभी को. एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं. वन मोर
ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दूंगी आपको, मैं इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से फास्ट। एक और क्वेश्चन दे दी, उसको भी आपको ही करना है, आंसर बताना है मुझे। अब देखिए यहाँ पे है राज एंड राम वर्किंग टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क डू अ वर्क इन 10 days। इन 10 days राज अलोन कैन डू 8 in 12 days। It in 12 days. Then Ram alone will do this work. Will do the work in. ऑप्शंस भी दे रही हूं मैं आपको, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 20 days, 40 days, जल्दी से निकालिए, एंड सी ऑप्शन है 50 days, एंड डी ऑप्शन है 60 days। This is the question. Raj and Ram working together, है ना? Do a work in 10 days. 10 days में दोनों work करते हैं, तो 10 days में कोई भी work को complete कर लेते हैं मिलकर। Raj alone can do it in 12 days. उसी work को अगर Raj करता है तो वो 12 days में complete कर लेता है। तो जो Ram है, वो अकेला उसी work को कितने days में complete करेगा? जल्दी से बताइए मुझे answer. वेरी गुड लविश साहू, वेरी गुड। कितना आया? 60 days। क्लियर? गुड। चलो अब जिनका नहीं आया है उनको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे दिया है राज एंड राम, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। जब आपको एग्जाम में ऐसा आया तब आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है? डायरेक्ट आप ए प्लस भी लेके करिए या जैसे भी आपको सुटेबल लगे, जो भी लेना है वो लिख सकते हैं। राज एंड राम दोनों इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 10 days में कंप्लीट करते हैं, क्लियर? अब इसी काम को राज कितने डेज में कंप्लीट करता है? 12 days में कंप्लीट करता है। 12 days, ओके। तो आपको बताना है कि राम कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा इसी वर्क को। तो आपको जस्ट सिंपल एलसीएम निकालना है यहाँ पे, क्लियर? याद जाएगा 60 आ जाएगा, एफसीएम से निकालो यहाँ से डिवाइड करके कितनी आ जाएगी 6, और इसकी कितनी आ जाएगी 5, क्लियर? अब उसके बाद में क्या करना है, राम का निकालना है। राम कितने डेज में करता है तो आपको पता है टोटल वर्क कितना है, 60 है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। उसमें से राज की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 6 - 5 में 60/1 कितने आ गए? 60 days, क्लियर?
सिर्फ रवि शंकर का आंसर आया है अभी तक, बाकी सबको क्लियर है, समझ में आ गया? एक और दे रही हूं मैं, वन मोर, ओके एक और दे रही हूं आपको होमवर्क के लिए, दे देती हूँ क्लियर। एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे देती हूँ आपको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और एक क्वेश्चन होमवर्क में राइट डाउन कर देती हूँ, ये रख कर रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। के लिए जस्ट होमवर्क, ओके। और फादर अ फादर कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज his two sons working together if one son does the job in 3 hours अब इसमें time hours में दिया हुआ है आपको in 3 hours and the other the number of hours taken by the father to do the job alone is ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन देख लीजिए, वन टू थ्री एंड नेक्स्ट है डी ऑप्शन फोर, ओके दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है।